वीवो कंपनी ने देश के 62,000 करोड़ रुपए लूटना शुरू कर दिया था। ये शाह साहब जिस पे कंट्रोल कर रहे हैं, अप्रैल में भी ये बात बताई थी कि असली देश के खिलाफ साजिश जो ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार कर रही है, और जिसके लिए क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया तो इन्हीं लोगों की खरीदी हुई मीडिया है, क्रिमिनल मीडिया है, वो ये नहीं करेगी। जब चाइना से हमारी इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है और उनके पास तो ये सब इन्फॉर्मेशन होगी ना ईडी, और उसके बाद एक बहुत ही अजीब बात हुई, 18-19 से जो ये अभी ईडी ने रेड किया ना, ये बता रहे हैं कि 18-19 से पैसे बड़े लेवल पे 62,500 करोड़ ट्रांसफर होने शुरू हो गए थे। और आप लोगों ने कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में या दूसरी जगहों पर रिपोर्ट पड़ी होगी कि ईडी ने एक वीवो नाम की कंपनी है चाइनीज, उसके ऑफिस में कल रेड्स मारी हैं, और 62 जो एलिगेशन है वो ये है कि 62,000 करोड़ से भी ज़्यादा इस कंपनी ने देश का पैसा चुराया और इसको सीधा सीधा चाइना में ट्रांसफ़र किया। अभी अप्रैल के महीने में ही एक और कंपनी चाइनीज जो थी ज़ायोमी, ये दोनों मोबाइल फ़ोन कंपनीज हैं प्राइमरीली, उसने भी ईडी ने उसके ऊपर रेड की थी और 5,500 करोड़ का जो है चोरी करके उसको भाग गई थी ये कंपनी के भी जो डायरेक्टर हैं एक मिस्टर जैन, मनु जैन करके। वीवो कंपनी के भी जो इंडिया में पोस्टेड डायरेक्टर्स थे वो सब इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं, ऐसा ईडी की खबरें ही बता रही हैं। मैंने आपको अप्रैल में भी ये बात बताई थी कि असली देश के खिलाफ साजिश जो ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार कर रही है, और जिसके लिए मैं बार बार आह्वान कर रहा हूँ अपोजिशन पार्टियों से भी, लेकिन कोई भी अपोजिशन पार्टी मजबूती के साथ इस इशू को नहीं उठा रही है, ये उनकी मेरे ख्याल से कमी है, या उनके जो फ्रंट लाइन जो उनके कार्यकर्ता हैं वो शायद आरएसएस बीजेपी और अमित शाह साहब की ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स से डरते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पिछले 2-3 महीने में ही ईडी ने, और ईडी अगर इन कंपनियों पे रेड कर रही, कंपनी के ऊपर रेड कर रही है, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि घोटाला और चोरी इससे कहीं गुना ज़्यादा होगी। जब ही मजबूरी में, जब जो ग्लास है या जो बाल्टी है इनके जुर्मों की इतनी उबल के बाहर आ रही है, तो मजबूरी में मुंह दिखाने के लिए ये इन्हें रेड्स करनी पड़ रही हैं, लेकिन इनके खिलाफ़ कोई भी मजबूत कार्रवाई नहीं होगी, जैसा कि ईडी की रेड में से खुद पता लग रहा है कि वो बता रहे हैं कि कुछ उन्होंने 60-90 लाख रुपये पकड़े हैं और 2 गोल्ड की बार्स पकड़ी हैं। 62,000 करोड़ रुपये देश के चुरा के भाग गए वीवो कंपनी के डायरेक्टर्स, लेकिन वीवो आज भी काम कर रही है, ज़ायोमी आज भी इंडिया में काम कर रही है। और दुख की बात यह है कि ज़ायोमी कंपनी जो, और ये वीवो कंपनी जो है, भारत का इतना पैसा चुरा के, और चाइनीज आर्मी, मैंने वीवो ज़ायोमी के बारे में तो बताया ही है कि ये सब कंपनियां हैं फ्रंट कंपनी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की और पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और ये ज़ायोमी कंपनी जो है वो अमेरिका में बैन भी हो चुकी है, क्योंकि ये इसके ऊपर एलिगेशन वहाँ पे ये थे कि ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चाइनीज़ आर्मी की फ्रंट कंपनी, ये सारी कंपनियाँ यहाँ से पैसा चुरा के हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं, और हमारी इतनी बड़ी ज़मीन मोदी जी के राज में चाइना जो है छीन चुकी है, जो हड़प चुकी है, वो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाइनीज़ वहाँ पे कर रहे हैं वो सीधा सीधा पैसा हमारे देश से ही चुरा के हो रहा है। तो ये जो 2 कंपनियां हैं ज़ायोमी, वीवो और ओप्पो, 3 कंपनियां, इन्होंने अब एक नया रास्ता निकाला है कि ये कंपनियों का तो जुर्म का जो पैमाना इतना ज़्यादा बाहर आ चुका है, भर चुका है, तो इन्हें भागना पड़ेगा। तो 2 कंपनियां हैं, लावा इंटरनेशनल और डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये इन कंपनियों में अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और मोदी जी की सरकार, आरएसएस की सरकार ये कह रही है कि हम इनको कैश इंसेंटिव दे रहे हैं क्योंकि ये लोकल कंपनियां हैं, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग किसकी करेंगे, ज़ायोमी कंपनी की, वाइवो कंपनी की, वीवो कंपनी की और अप्पो की, और फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। इसका फ़ायदा भी किसे पहुंचेगा, चाइना को ही, क्योंकि ये इन्हीं कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आप लोग गूगल करके या दूसरी तरीके से नेट के ज़रिए आप ये आराम से ढूंढ सकते हैं कि लावा इंटरनेशनल कंपनी के डायरेक्टर्स कौन हैं, और डिक्सन जो कंपनी है, ये 2 कंपनियां जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है इन 3 चाइनीज़ कंपनीज द्वारा, तो इनके डायरेक्टर्स कौन हैं और उनके तार कहाँ आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही आराम से आपको पता लग जाएगा अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करें। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल और है, जो ये वाइवो कंपनी है, वीवो जो भी बोलते हैं इसे, ये जो कंपनी है ये 2014 में इंडिया में आई, ज़ायोमी
2014 में इंडिया में आई। 2014 में एक और भी चीज़ इंडिया में आई है, मोदी जी की सरकार आई है ना, कोइंसिडेंस बता रहा हूँ मैं आपको, क्या कर लिया इन्होंने 2014 में आके, एक दो साल में ही पूरे इंडिया की मोबाइल की मार्केट पे कब्जा कर लिया। इस सब के बारे में तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2015 में एक और भी अच्छा काम हुआ, अच्छा या बुरा आप लोग तय करेंगे, देश की जनता तय करेंगी। जो जय शाह साहब हैं, अमित शाह जी के सुपुत्र जो हैं, वो 2015 में, मैं उनका ये विकिपीडिया पे देख रहा हूँ, 2015 में वो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया बीसीसीआई के फाइनेंस और मार्केटिंग कमेटीज़ के जो हैं वो मेंबर बन गए 2015 में। और उसके बाद से ये बहुत ही जल्दी, एक और मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाइवो कंपनी जो है, IPL जो है, कितना बड़ा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है आप सब लोगों को पता ही है, कितना बड़ा पूरा देश जो है क्रिकेट में जुटा हुआ है, कितने इसमें पैसा और इन्वॉल्व है, ये सब आप लोगों को पता ही है। मुझे इसके बारे में IPL में कितने सारे पैसे इन्वॉल्व हैं, देश की जनता इसको उतना कितना टाइम भी देती है और कितने पैसे भी खर्च करती है, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब जय शाह साहब 2015 में फाइनेंस एंड मार्केटिंग कमिटीज़ के BCCI के मेंबर बन गए, तो 2016 में, उसके तुरंत बाद 2016-17 से ये जो वाइवो कंपनी है, वीवो कंपनी जो है, इसने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट BCCI से साइन किया। कोइंसिडेंस है, ये भी कोइंसिडेंस ही हो सकता है ना। अब 2018-19 में, या ये कब जय शाह साहब सेक्रेटरी बन गए थे इसके, BCCI के सेक्रेटरी भी बन गए थे ये, आज तो एक तरह से रूल ही कर रहे हैं, ब्रिजेश पटेल साहब चेयरमैन है और ये इसके सेक्रेटरी हैं शायद, दोनों किस स्टेट से आते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, अगर है तो मैं बता भी देता हूँ, हमारे एक वेस्टर्न बॉर्डर पे एक स्टेट है गुजरात नाम का, ये दोनों वहाँ से आते हैं। और ये जो कंपनीज, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ये जितनी भी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो इंडिया में काम करती हैं और जो चाइनीज़ गवर्नमेंटल एजेंसीज़ की जितनी भी कंपनीज़ हैं, उसमें मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन कितने डायरेक्टर्स हैं, इस पर रिसर्च करनी चाहिए। मैं नहीं तो करके आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के दूंगा, मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पर रिसर्च करें आप, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इन्हीं लोगों की खरीदी हुई मीडिया है, वो क्रिमिनल मीडिया है, वो ये नहीं करेगी काम। उसके बाद 18-19 में भी वाइवो रही, उसके बाद एक बहुत ही अजीब बात हुई 18-19 से, जो ये अभी ईडी ने रेड किया ना, ये बता रहे हैं कि 18-19 से पैसे बड़े लेवल पे 62,500 करोड़ ट्रांसफ़र होने शुरू हो गए थे। और एक मुंह दिखाने के तौर पे 2020 में ड्रीम 11 नाम की एक कंपनी है, जिसको IPL की स्पॉन्सरशिप इन्होंने एक तरह से ऑफलोड कर दी थी, लेकिन 2021 में दोबारा वीवो कंपनी ही इसकी स्पॉन्सर बन गई। तो जिस कंपनी ने, वीवो कंपनी ने देश के 62,000 करोड़ रुपए लूटना शुरू कर दिया था, उसको जय शाह साहब जिस पे कंट्रोल कर रहे हैं, उस BCCI ने उसको भारत का सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा मशहूर स्पोर्ट्स है, जिसको पूरा देश भावनात्मक रूप से जुड़ के देखता है, उसका उसके हवाले कर दिया था स्पॉन्सरशिप। और वीवो कंपनी की, जो कि चाइना में भारत का पैसा चुरा के भेज रही थी, उसको पब्लिसिटी हासिल करने का मौका दिया कितना बड़ा, ये जय शाह साहब की क़यादत में BCCI ने ये काम किया। अभी ये लेटेस्ट है, इसका ये कहा जा रहा है कि टाटा जो कंपनी है, उसने रिप्लेस कर दिया है वीवो को, ठीक है जी। और उसमें एक मिंट में रिपोर्ट छपी है अभी, कि जिसमें ये कहते हैं, जय शाह द ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ BCCI सेड, वी आर ट्रूली हैप्पी दैट इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड बिजनेस ग्रुप्स हैव बिलीव्ड इन IPL एंड ग्रोथ, IPL ग्रोथ स्टोरी, एंड टुगेदर विद टाटा ग्रुप वी विल लुक दैट इंडियन क्रिकेट एंड IPL फॉरवर्ड टू ग्रेटर हाइट्स। यानी कि ये कंपनी टाटा को दे के, जो वीवो कंपनी है वो एक तरह से भाग रही, और जिसकी खुशी जाहिर जय शाह साहब कर रहे हैं, आज तक ये नहीं बता रहे कि इससे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये इतनी बड़ी बेईमान और चोर कंपनी थी जिसको हमने इतनी पब्लिसिटी दे दी। आज तक जय शाह साहब ने, या किसी भी BCCI के
ऑफिस बेयरर ने इस बात की माफ़ी देश से नहीं मांगी कि हम लोगों ने इस कंपनी की मशहूरी की और ये 62,000 करोड़, जो ईडी कम करके ही बता रही होगी जैसा मेरा मानना है, चुरा के भाग गई। तो दोस्तों आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इस बात की है कि मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन जितने भी हैं उनके चाइनीज़ कंपनी से क्या संबंध है, कितने लोग डायरेक्टर हैं, कितने लोग इसमें पार्टनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और ये 23 फ्रंट कंपनीज़ ईडी बता रही है कि वो भारतीय कंपनियां हैं जिन्होंने ये पैसा चुराने में मदद की है वीवो कंपनी। तो इस पे मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग, क्योंकि आप रियल मीडिया हो, इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। और ये जो नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी, चाइना, पाकिस्तान और इसराइल का, जिसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, उसको आप एक्सपोज करो। पॉलिटिकल पार्टीज से भी, मैं जो भी आरएसएस और बीजेपी की अपने आप को अपोजिशन पार्टी समझती हैं, तो मेरी उनसे भी बहुत बड़ी गुजारिश ये है कि ये जो सारे डाइवर्ट करने के इश्यूज़ हैं उसके पीछे इतनी बड़ी लूटमारी चल रही है, तो आप लोग सब बड़े लेवल से मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन का चाइना कनेक्शन ढूंढें, आपको समझ में आ जाएगा देश में आरएसएस और बीजेपी कर क्या रही। 18-19 और कब से ही तो चाइना से हमारे संबंध जो हैं इस बात से ख़राब हो चुके हैं कि वो हमारी ज़मीन जो है बार बार कब्ज़ा करे जा रहे हैं। कितना बड़ा प्रधानमंत्री साहब ने, सबने कितना टफ स्टैंड ले रखा है पिछले 3-4 साल से चाइना के लिए, तब भी इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ये जो वीवो कंपनी है इसके बारे में पता करें और उसको स्पॉन्सरशिप दिए जा रहे हैं। वीवो आईपीएल का ये 2021 में भी वही स्पॉन्सर हैं, 2021 में भी। तो इसके लिए क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि हम चाइनीज ऐप बंद कर देंगे, ये इसको भी 3 साल हो गए ना, चाइनीज ऐप को बैन कर रहे हैं, जो कंपनियां लूट मचा रही हैं हजारों लाखों करोड़ की, उसके साथ आपके खुद के जो, और वो भी होम मिनिस्टर साहब के बेटे हैं, इनके पास तो कुछ ना कुछ अपने पिताजी से भी इन्फॉर्मेशन आती होगी ना, कि ये कंपनी बताते होंगे कि बेटा ये कंपनी बहुत बड़ी है, घर में चाय पानी नाश्ते पे तो बताते होंगे ये इतनी बेकार और घटिया कंपनी है, इन्होंने हमारा देश लूट लिया। कम से कम होम मिनिस्टर साहब को तो ये जिम्मेदारी बनती थी कि अपने सुपुत्र साहब को ये बता दें, उनकी होम मिनिस्टर के तौर पर भी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जब चाइना से हमारी इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है और उनके पास तो ये सब इन्फॉर्मेशन होगी ना ईडी, और उसकी जब ये 2018 से घोटाला चल रहा है बड़े तौर, तो तब उनका फ़र्ज नहीं बनता था हमारे होम मिनिस्टर साहब का कि अपने बेटे साहब जो है, उनके सुपुत्र जो है, उनको तो कम से कम बता देते कि इसको आप ज़रा, इसको वीवो को हटाओ, हम लोग इनको अरेस्ट करने वाले हैं वीवो वाले लोगों को, क्योंकि ये देश में पॉपुलैरिटी हासिल कर रही है वीवो, अभी भी लोग हमारे फ़ोन वाइवो का क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्समैन सब उनका वो लगा के घूम रहे हैं जिनको लोग प्यार करते हैं। देखिए आरएसएस के लोग जोधपुर में मिले इतनी बड़ी विभत्स घटना करते हुए, आरएसएस के लोग, अभी लेटेस्ट ही बता रहा हूँ ना आपको, आरएसएस के लोग मिले जम्मू में इतनी बड़ी विभत्स घटना करने की तैयारी करने में, और आरएसएस के लोग अब इसमें मिल रहे हैं वीवो और ये सब, ये बीसीसीआई किसके हाथ में आज देखा जाए तो, ये सब भी। तो हमारा ये कहना है क्या इस बात पे, जिसके सबूत एक के बाद एक मिल रहे हैं, क्या इस बात पे देश की सुरक्षा के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए कि आरएसएस से क्या संबंध है, ये इस तरह की आतंकी घटनाएं कराने के लिए आरएसएस और चाइना, आरएसएस और पाकिस्तान, आरएसएस और इसराइल के क्या संबंध हैं, क्या इस बात की इन्वेस्टिगेशन राष्ट्रहित में नहीं होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन किसी बड़ी एजेंसी से, ये क्या डिमांड करना इतने सबूत आने के बाद? नूपुर शर्मा ने 57 देशों से, जो देश के मित्र देश थे, और नूपुर शर्मा ने अकेले नहीं, उन्होंने बोला कि मेरे पीछे प्रधानमंत्री का ऑफिस है, होम मिनिस्टर का ऑफिस है, बीजेपी के प्रेसिडेंट का ऑफिस है, और वो देवेंद्र फडणवीस साहब मेरे पीछे हैं। तो क्या ये जो संबंध बीजेपी ने कराए खराब, इसके बारे में क्या कोई बड़ी साजिश थी? इसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होनी चाहिए सिंपली बिकॉज आरएसएस और बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं, तो क्या वो राष्ट्रहित से भी ऊपर हैं? मतलब उनके ऊपर कोई भी जांच नहीं होनी चाहिए चाहे वो कुछ भी करते रहें? ये तो बहुत ही नाजायज़ बात है ना। हम ये तो नहीं कह रहे ना सीधे सजा दे दीजिए, लेकिन इतने सबूत, इतने इशारे मिलने के बाद भी क्या एक इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होनी चाहिए? तो मैं देश के सभी अपोजिशन पार्टी से भी ये गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होने की डिमांड के लिए लार्ज स्केल पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए, एजिटेशन होनी चाहिए।